गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबडी. सो एज यू ऑल नो, आई बीन रनिंग यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लासेस फॉर फ्री फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार फ्रॉम हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम. एंड आई ऑल्सो रन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज फॉर किड्स ऑफ ऑल एज एज वेल एज हाउस वाइफ एंड द एस्पिरेंट्स हु आर ट्राइंग टू बिल्ड अ करियर इन डिफरेंट फील्ड्स. तो अभी एक समस्या से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं जो भी क्लासेस कर रहा हूँ वो सिर्फ वो बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा है, और साथ ही साथ वो लोग इंटरनेट को अफोर्ड कर पाते हैं. तो क्लासेस अच्छा चल रहा है. अभी पिछले कुछ दिनों के प्रयास से आई गॉट क्लोज टू 200 स्टूडेंट्स through different channels, and they are kind of getting benefited from those classes. But then my main problem still remains कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं है, they are not able to do anything. तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं गरीब बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ. बच्चों की पढ़ाई तो करा पा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चों के पास सामर्थ्य नहीं है, जो कि मेरा मेन फोकस था, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ. तो मैंने एक कोशिश शुरू की है कि जो क्लासेस चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, उस क्लास में और गरीब बच्चों को कैसे जोड़ा जाए. तो मैंने एक गरीब बच्चे को गोद लिया है, उसकी पढ़ाई मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ. लेकिन सभी जानते हैं कि नौकरी पेशा लोग कितना ही कर पाएगा, तो अकेले मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा. मैं चाहता हूँ कि और लोगों का सहयोग मिले और लोग जुड़ें. तो अगर आप लोगों को ये विचार पसंद आए तो मैं चाहूँगा कि जो बिहार के सक्षम लोग हैं, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, NRIs हैं, जो अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं ऑन अ बिगर स्मॉल स्केल, उनके बीच में एक प्रस्ताव रखना चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो या आपका अगर अप्रूवल हो तो हम एक फंड रेजर डालना चाहते थे ताकि सभी को मिलकर बिहार के बच्चों को गोद लें. तो एक मोटा मोटी अगर हिसाब समझा जाए तो एक बच्चे का, जैसे मैं पढ़ाई करा रहा हूँ तो फ्री करा रहा हूँ, कराता ही रहूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कहीं कोई सहयोग नहीं चाहिए. लेकिन गरीब बच्चों को अगर एक फ़ोन दिलाना या उनका इंटरनेट का खर्चा बेयर करना हो तो मतलब 8th से लेकर के 10th तक के बच्चों का, जब जो कि किसी के करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, वो 3 साल के लिए अगर एक बच्चे को स्मार्टफोन देना हो जो 5 से 6 हज़ार में आता है, या फिर जो उनका महीने का इंटरनेट का चार्जेस जो 400 से 500 रुपये महीना होता है, अगर वो कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो हर एक बच्चे के ऊपर मोटा मोटी देखेंगे तो लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये का खर्चा आता है. तो अगर आप जो 20-22 हज़ार को अगर कन्वर्ट करेंगे तो $250 होता है. तो अगर आप लोग चाहें, अगर करना ऐसा कुछ नहीं होता, किसी बच्चे को मतलब अब गोद लेना बोल सकते हैं कि भाई चलिए आपके घर में कोई काम करने वाले आती है बिहार में, या आपके जान पहचान में कोई गरीब है, या परिवार में कोई ऐसा जिसको मदद की ज़रूरत है, तो वैसे अगर आप एक बच्चे को गोद लेना चाहेंगे तो $250 का आता है. बट वो $250 इज मोर लाइक अ गैम्बल दैट नो वी आर टेकिंग टू सपोर्ट द किड एंड हेल्प हिम और हर at least to provide the education till 10th grade, and then based on how the kid performs the career can be built. To ye ek koshish hai, matlab isme koi guarantee to nahi hai, lekin agar har koi agar ek bacche ko god lenge, agar ek ya do bacche ko, to matlab har ek bacche ke upar $250 ka kharcha hai jisse ki hum wo gareeb bachcho tak pahunch payenge. To hum chahte hain ki ek fundraiser dalein. Aap log apne samarth ke hisab se, apne विलिंगनेस के हिसाब से, या जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से अगर करेंगे तो हम उतने बच्चों तक पहुंचा पाएंगे. मेरे पास कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, जो लोग कि हु कैन गेट मी रीच टू द पीपल हु नीड हेल्प. तो वैसे चलिए, अगर यहाँ पे मतलब US में, UK में, जहाँ पे भी बच्चे, जहाँ पे हम लोग बिहार के लोग हैं, वहाँ से मान ली हर कोई अगर एक एक बच्चे के लिए करना चाहेगा, और अगर ऐसे 50 लोग भी जुड़ते हैं, तो समझिए कि 50 बच्चों का भला हो पाएगा. हम लोग कोशिश कर, मतलब 50 बच्चों के लिए कोशिश कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रपोज दिस आइडिया, एंड लेट मी नो, आई मीन इफ यू लाइक दिस आइडिया. आपका इन्वेस्टमेंट $250 का होगा हर बच्चे के लिए, और आप चाहें तो आप ये बोलेंगे भाई चलो मैं ये $250 दे रहा हूँ, बदले में ये बच्चा है,
जिसके लिए मैं करना चाहता हूँ। तो आपको भी ये विजिबिलिटी रहे कि जिस बच्चे को आप सपोर्ट कर रहे हैं उस बच्चे की आपको जानकारी भी है, आप उस बच्चे से टच में रह सकते हैं, क्योंकि आप फ़ोन देंगे, उसके पास इंटरनेट रहेगा, व्हाट्सएप कॉल करके आप पूछते रहेंगे भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्या प्रोग्रेस कैसा है, या बच्चा सीरियस है कि नहीं है, या बच्चा टाइम पर क्लास ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मतलब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें एक बच्चे के लिए, दो बच्चे के लिए, चार बच्चे के लिए, तो प्लीज़ आगे आइए और उस हिसाब से आप हर एक बच्चे के लिए आप मतलब एक बार $250 देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। और साथ में आप चाहें तो उस बच्चे को मेंटर करते रहें, क्योंकि अगर संसाधन रहेगा तो फिर बच्चे एटलीस्ट ये उम्मीद रहे कि हाँ वो बच्चा क्लास ज्वाइन कर पाएगा, और आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं बच्चों को। नहीं तो हम जो है सोच रहे थे कि संकल्प काफ़ी रीच है दिनारा में, तो संकल्प के थ्रू 10 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, या फिर फ्रॉग वॉक में बहुत सारे 3,000-4,000 मजदूर जुड़े हुए हैं, तो उनके बच्चों में जो भी मेधावी हैं, जो पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, वहाँ से जोड़ सकते हैं। या फिर कुछ स्वयंसेवी संस्थान है मेरे होम टाउन भागलपुर में, या कुछ दरभंगा से एक अमनराज जी जुड़े हैं, तो उनके थ्रू भी पता चलेगा कि भाई कोई ऐसा ज़रूरतमंद बच्चा है तो उसको मदद कर सकते हैं। तो मतलब अभी मेरा टारगेट है कि 50 से 100 बच्चों को हम लोग मेंटर करना चाहेंगे, प्रोवाइडेड आई हैव सपोर्ट फ्रॉम मेनी लाइक माइंडेड पीपल। एंड आपका इन्वेस्टमेंट, आपका गैम्बल $250 का है एक बच्चे के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये नेक काम है, इसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम लोग कर पाए। नहीं तो अगर मैं अकेला करता रहूँगा सर, तो मतलब यही है समस्या कि मैं लिमिटेड नंबर तक ही पहुंच पाऊंगा, और इसमें इस पूरे क्रम में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसके साथ स्ट्रगल कर रहा था कि भाई कैसे किया जाए ताकि हमारा रीच थोड़ा बढ़े, तो इसीलिए मैंने ये आइडिया प्रपोज किया। अगर लगे कि ये आइडिया में दम नहीं है या भरोसा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा देखिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में, ये तो सिर्फ एक प्रपोज़ल है। तो बताइए अगर लगता है कि इसमें हम लोग मिलके कर सकते हैं तो अच्छा है। तो मेरा जो स्टूडेंट का बेस अभी 200 बच्चों का है फ्री में पढ़ाई का, वो 200 से 250-300 हो सकता है, नहीं तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगा, लेकिन हाँ आशीर्वाद और सहयोग तो सबका चाहिए होगा सर। तो हम सर मैम जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी का सहयोग चाहिए होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इसको मतलब कोई बड़ा CSR एक्टिविटी ऐसा कुछ जोड़ा जाए, क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो हम उसी लेवल पे करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको लगता है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हों कि बिहार से हैं, बिहार के लिए क्या हम करना चाह रहे हैं, और कैसे क्या एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, या मेरा क्या योगदान रहेगा, कैसे हम जो बिहार के अपने बच्चों का या बिहार के मैं अपने समाज का कुछ आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो अगर आइडिया अच्छा लगे तो बताइएगा, एटलीस्ट गिव मी फीडबैक ऑन माय यूट्यूब चैनल और सेंड मी one-on-one मैसेजेस। तो अगर मुझे लगा कि 10-15 लोग जुड़ते हैं अगर बताते हैं तभी मैं फंड रेजर डालूंगा, नहीं तो मैं मतलब आई विल नॉट, क्योंकि आई डोंट वांट टू नो काइंड ऑफ फोर्स दिस और इम्पोज दिस ऑन एनीबॉडी। इट्स ऑल अबाउट आवर ओन विलिंगनेस फॉर दिस, एंड इफ आई सी सम पीपल कमिंग फॉरवर्ड एंड विलिंग टू कंट्रीब्यूट एंड help me in this whole initiative, I'll be more than happy। मतलब इसको आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन मतलब आवाज़ दिल से आएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आइडिया पसंद आए और कुछ लोग इस क्रम में आगे जुड़ेंगे। और बाकी आप लोगों सबको ये प्रॉमिस मेरा है कि मेरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लासेस है वो चलता रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस है वो चलता रहेगा, क्योंकि उस क्रम को नहीं तोड़ेंगे वो अभी। मतलब आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से इतना तो है कि लगभग 200-250 बच्चे जमा हो गए हैं पिछले 3-4 महीने की कोशिश में, तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप बढ़ता ही रहेगा। तो अब बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि देखें कुछ गरीब बच्चे भी जुड़े जिनके पास संसाधन कम है। ठीक है, तो चलिए आइडिया अच्छा लगे तो कन्फर्म कीजिएगा, हमको 1-on-1 DM भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या फेसबुक पे, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिस्पांस भेज सकते हैं। और जिस दिन मेरे पास 20-25 रिस्पांस आ जाएगा उसके बाद ही हम फंड रेजर डालेंगे, नहीं तो हम इस बात को दबा देंगे। थैंक यू सो मच।